Hello friends, my name is Hari Mundai, and I'm going to speak about diode lamp circuit. That is an unique approach. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इसके पहला वीडियो था फ्लिपर सर्किट्स के बारे में. उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ क्लैंपर सर्किट्स के बारे में वीडियो इसका, तो ये क्लैंपर सर्किट्स का हमने वीडियो ड्रॉ किया, आई मीन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई होप कि आपको पसंद आए. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज क्लैंपर सर्किट? पहले हम डिफाइन करते हैं क्लैंपर सर्किट को. जैसा कि हम क्लिपर सर्किट्स के बारे में हमने ये किया था कि क्लिपर सर्किट जो है वो एक डिवाइस होती है, जो राउंड डिवाइस होती है जो कि क्लिप करता है इनपुट वेवफॉर्म्स के पार्ट्स को. यहाँ पे हम क्लैंपर सर्किट के बारे में देखते हैं कि क्लैंपर सर्किट एक राउंड डिवाइस है जो कि इनपुट वेवफॉर्म को, जो कि साइनसॉइडल फॉर्म्स में देते हैं एसी इनपुट, तो क्लैंप अप और क्लैंप डाउन करता है. दैट मींस जो वेवफॉर्म होगा, जो हम इनपुट वेवफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, वो आउटपुट में आइदर मूव अप होगा या शिफ्ट अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, दोनों तरफ में से किसी एक तरीके से ये होगा डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ डायोड. जैसा भी डायोड हम लगाएंगे, डायोड का डायरेक्शन के ऊपर ये जो है वो डिपेंड करेगा. यानी कि ये रिमूव नहीं करता है, नहीं ये कट करता है, ये सिंपली इनपुट वेवफॉर्म्स को अप या डाउन शिफ्ट करता है. ठीक, ये समझने वाली बात है. क्लैंपर और क्लिपर में इसमें मेन जो डिफरेंस है, इसमें कैपेसिटर का यूज होता है. सबसे डिफरेंट कैपेसिटर, जहाँ पे कि क्लिपर में कैपेसिटर यूज नहीं होता था. कैपेसिटर होता है एक डायोड हम यूज करते हैं, रेजिस्टेंस यूज करते हैं, लोड रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, एंड बैटरी जो कि ओनली इन केस ऑफ बायस क्लैंपर. तो कैपेसिटर जब हम क्लैंपर सर्किट डिजाइन करेंगे तो उसमें कैपेसिटर और कंपल्शन होगा, लेकिन बैटरी तभी लगाएंगे जब वो बायस क्लैंपर. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पीक टू पीक वैल्यू जो होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी. यानी कि वो जैसे मान लो कि आपका वेवफॉर्म जो है माइनस आई टू प्लस आई वैरी कर रहा है, तो पीक टू पीक वैल्यू होगी आपकी प्लस. तो आउटपुट वेवफॉर्म जो भी शिफ्ट अप या शिफ्ट डाउन होगा, तो पीक टू पीक वैल्यू 10 है. The shape and size of the waveform difference, like if you are providing like sinusoidal waveform, sine waveform, तो output भी आपका sine wave मिल जाएगा. आपने अगर rectangle waveform, square waveform, triangle waveform ये किया है, तो उसका output भी sine रहेगा. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं कि कितने types of clamper circuit. तो basically हम clamper circuits को दो type में divide करते हैं. Unbiased clamper, जिसमें कि external battery supply नहीं होता, कैपेसिटर लगता है, डायोड लगता है. बायस क्लैंपर में क्या होता है, एक्सटर्नल बैटरी कंपल्सरी, यानी कि इसी के नाम पे बायस क्लैंपर बना हुआ है. अगर एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई हम नहीं देते तो क्लैंपर सर्किट नहीं लगता है. तो पहला अनबायस क्लैंपर, मतलब ये एक क्लैंपर का टाइप है जिसमें कि आउटपुट वेवफॉर्म जो है कम्प्लीटली शिफ्ट होता है आइदर डाउनवर्ड्स और अपवर्ड फ्रॉम द जीरो एक्सिस. दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिन है, एग्जांपल के लिए अगर मेरे वेवफॉर्म 0 टू प्लस 5 या 0 टू माइनस 5 वेरी कर रही है, तो ये या तो जीरो से कम्प्लीटली माइनस 10 हो जाएगी या कम्प्लीटली जीरो से प्लस 10 हो जाएगी. देयर इज नो एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई एज यू नो दैट, क्योंकि ये अनबायस्ड है, तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई नहीं देते. अब आते हैं बायस क्लैंपर. तो बायस क्लैंपर में क्या है कि इस टाइप ऑफ क्लैंपर एक्सटर्नल बैटरी जो पहले तो अप्लाई करना जरूरी है, तभी एक बायस क्लैंपर होगा. एंड आउटपुट वेवफॉर्म जो होगा वो आइदर अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स शिफ्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन बैटरी और डायोड एंड क्वालिटी ऑफ द बैटरी. यानी कि अगर डायोड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो वेवफॉर्म नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ है ऊपर शिफ्ट होगा. हम बताएंगे आगे कि कैसे किस तरीके से हम शिफ्ट करते हैं. और क्वालिटी ऑफ द बैटरी, लाइक आपने पॉजिटिव बैटरी लगाई है, नेगेटिव बैटरी लगाई है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किधर शिफ्ट होगा. उसी बात में आप लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि इस केस में क्लैंपर के केस में डायोड हमेशा शंट में अप्लाई करते हैं, क्योंकि सीरीज में इनपुट के साथ सीरीज में कैपेसिटर होता है हमेशा, ऑलवेज होगी. एंड इसलिए जो डायोड होगा वो हमेशा पैरेलल में अप्लाई करेंगे. अब आते हैं अनबायस क्लैंपर का एग्जांपल देखते हैं, एंड इसके बाद हम बायस क्लैंपर. तो
एक अनबायस डायोड हम क्लैंपर हमने यहां पे डिजाइन किया है। यहां पे इनपुट वेवफॉर्म दिया, एक हमने वीसी मतलब कि यहां पे कैपेसिटर लगाया, उसके बाद एक डायोड लगाया और यहां से हम आउटपुट लिया, ठीक है। और इनपुट जो है ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है, मतलब प्लस वी इनटू माइनस वी इन वैरी कर रहा है, ठीक है। और ये आपका पीरियड पीरियड है 0 से T / 2। अगर ये अनबायस क्लैंपर है तो इसको हमें सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका मैं बता रहा हूं, केवीएल तरीके से बाद में हम आपको वेरीफाई करेंगे कि जो वेवफॉर्म होगा डायोड के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, यानी कि डायोड का जो नेगेटिव पोर्शन है, यानी कि जो एरो वाला पोर्शन है, ये दिस पोर्शन जिस डायरेक्शन में होगा वेवफॉर्म उसी का डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यानी कि अगर ये प्लस वी इनटू माइनस वी शिफ्ट हो रही है, वेरी कर रही है इनपुट वेवफॉर्म जीरो से प्लस में माइनस में, तो वेवफॉर्म जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अनबायस क्लैंपर है तो जीरो एक्सिस यानी कि जो हमारा ओरिजिन था उससे कंप्लीटली नीचे शिफ्ट हो गया। जीरो से हमारी पीक टू पीक वैल्यू कितनी होगी, प्लस वी इन टू माइनस वी, यानी कि टोटल पीक टू पीक वैल्यू होगी 2V। तो हमारा जो वेवफॉर्म शिफ्ट हो रहा है जीरो से माइनस में, हमारा पीक टू पीक वैल्यू 2V था, ठीक है। एंड जो ओरिजिन जो जीरो वाला पॉइंट था, जीरो वाला पॉइंट वो आपका कहाँ पे शिफ्ट होगा, माइनस में। क्यों? क्योंकि अगर मानते हैं कि ये अगर मैक्सिमम वैल्यू से वी इन नीचे है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू से वी इन नीचे होना कम होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी जीरो होगी, इसके बाद ओरिजिन होगी माइनस वी इनटू, और जो लोवेस्ट वैल्यू है जो सबसे मैक्सिमम लोवेस्ट वैल्यू जो जाएगी माइनस टू वी हो जाएगी। तो पीक टू पीक वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, वेवफॉर्म्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। एंड हमारा ये इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म का जो टाइम पीरियड होगा वो भी एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी कि हमने क्या किया, इनपुट वेवफॉर्म्स को देखा और हमने देखा सिर्फ डायोड के डायरेक्शन, हमने कैपेसिटर्स कितने का लगाया या हमने कुछ इमेज होती है सिर्फ डायोड के डायरेक्शन को देखते हैं। और मैंने जैसे पहले बताया कि क्लैंपर सर्किट में कैपेसिटर हमेशा सीरीज में होता है एंड डायोड जो है वो पैरेलल में होता है, डायोड का डायरेक्शन या तो फॉरवर्ड हो सकता है या बैकवर्ड हो सकता है ना। इसके बाद यहाँ पे हम एक लोड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं ताकि इसके क्रॉस ना हो, तो हमने शॉर्टेस्ट सर्किट बनाया। इसको आप यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा के भी दिखा सकते हैं, जनरली बुक्स वगैरह में आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा के दिखाया, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि लोड जो आउटपुट है हम लोड रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, डायोड का डायरेक्शन देखना है, डायोड का डायरेक्शन किधर, यानी कि नेगेटिव, ये दिस इज द नेगेटिव पॉइंट, इज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ डायोड, है ना। यानी कि एरो वाला जो डायरेक्शन है, अगर एरो डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो वेवफॉर्म्स नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, किस पॉइंट से नीचे शिफ्ट होगा, क्योंकि अनबायस स्क्रीन पर है तो एक्सिस यानी कि ओरिजिन से कंप्लीटली नीचे, ओरिजिन से कंप्लीटली ऊपर। अगर यही डायोड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता तो वेवफॉर्म कहाँ से कैसे शिफ्ट होता, ऊपर की तरफ, यानी कि जीरो से टू वी तक जाता और हमारा जो ओरिजिन होता वो वी पे शिफ्ट होता, ठीक है। तो हमने जानबूझ के एक एग्जांपल लिया सिंपल, क्योंकि अनबायस क्लैंपर बहुत आसान है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं लोड नहीं। जब हम नेक्स्ट एग्जांपल बायस क्लैंपर के बारे में हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो हमें लगा है कि बायस क्लैंपर के बारे में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्लैंपर क्लैंपर यानी कि वेवफॉर्म को शिफ्ट करने से काम करता है, इसमें कैपेसिटर भी यूज होते हैं। इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बायस क्लैंपर कैसे सॉल्व करेंगे एक नए मेथड्स के थ्रू, या मैंने जो मेथड बताया ये यूनिक मेथड्स है, जिसको बिना हमें सर्किट को सॉल्व किए, बिना कुछ अप्रोच लगाए, बिना केवीएल या बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हम सही आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।